बरपा, थोड़ी सी जो पीली है हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, ना तजुर्बा कारी से वायस की ये बातें हैं, इस रंग को क्या जाने पूछो तो कभी पी है। वायस यानी प्रीचर, ना तजुर्बा कारी इन एक्सपीरियंस। ए शौक वही मैं पी, ए होश जरा सो जा। देखिए शौक और होश को किस तरह एक साथ लाए हैं। ए शौक वही मैं पी, ए होश जरा सो जा, मेहमान नजर इस दम एक बर्क तजल्ली है। बर्क तजल्ली यानी डिवाइन लाइटनिंग, जो माउंट साइनाई पे मोसेस को मिली थी और वो अनकॉन्शियस हो गए थे। तो ए शौक वही मैं पी, ए होश जरा सो जा, मेहमान नजर इस दम एक बर्क तजल्ली है। वहां दिल में कि सदमा दो या जी में कि सब सहलो, उनका भी अजब दिल है मेरा भी अजब जी है। हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से, अनवार इलाही रेडियंस ऑफ गॉड। हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से, हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। तालीम का शोर ऐसा, तहजीब का गुल इतना, गुल याने टमल्ट नॉइज, तालीम का शोर ऐसा तहजीब का गुल इतना, बरकत जो नहीं होती नीयत की खराबी है। ये ऑल टाइम पसंदीदा गजल रही और इसको इतना मकबूल बनाया गुलाम अली साहब ने, पर इसके शायर कौन थे? इसके शायर वही थे जिन्होंने ये भी लिखा कि फलसफी को बहस के अंदर खुदा नहीं मिलता। फलसफी, फिलोसोफर, फलसफी को बहस के अंदर खुदा नहीं मिलता, डोर को सुलझा रहा है सिरा नहीं मिलता। कश्ती दिल की इलाही बहरे हस्ती में हो खैर, ना खुदा मिलते हैं लेकिन बाखुदा मिलता नहीं। जिंदगानी का मजा मिलता था जिनकी बज्म में, जिंदगानी का मजा मिलता था जिनकी बज्म में, उनकी कब्रों का भी अब मुझे पता मिलता नहीं। लोग कहते हैं कि बदनामी से बचना चाहिए, लोग कहते हैं कि बदनामी से बचना चाहिए, कह दो बे उसके जवानी का मजा मिलता नहीं। या फिर जो कहा मैंने कि प्यार आता है मुझको तुम पर, जो कहा मैंने कि प्यार आता है मुझको तुम पर, हंस के कहने लगा और आपको आता क्या है। तो ये थे सैयद अकबर हुसैन, तखल्लुस अकबर इलाहाबादी। उर्दू तंज व मिजाह, ह्यूमर एंड सटायर, सरकाज़म में शायद ही उनका कोई सानी हो। उनकी शायरी के कुछ वर्सेस ये फेमस कव्वाली तुम एक गोरख धंधा हो में भी लिए, जिसे नुसरत फतेह अली खान ने इतना मकबूल बनवाया था। आज पब्लिक कैफे में खुशामदीद, मैं हूं सुधांशु मणि, नमस्कार। तो अकबर इलाहाबादी की शायरी के तमाम पहलू थे, कुछ एग्जाम्पल कुछ मैंने आपके सामने रखे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जनाब सैयद कबीर अहमद, रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन एक राइटर और शायर। गालिब पे इन्होंने बड़ा काम किया है,
और इनके काम को साहित्य एकेडमी ने भी सराहा है और आपके इस चैनल पे पब्लिक कैफे में कई बार तशरीफ ला चुके हैं। कबीर साहब खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि ये सुना है अकबर इलाहाबादी साहब का ताल्लुक मेरे और आपकी तरह रेलवे से रहा और फिर वो वकील भी बने और उन्होंने लिखा भी, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए, और फिर शायद जज भी बने। तो इनकी जिंदगी की पूरी तस्वीर एक हमारे व्यूअर्स के लिए जरा खींच लीजिए। जी, असल में खान बहादुर सैयद अकबर हुसैन उर्फ अकबर इलाहाबादी इलाहाबाद जिले के 12 नाम के कस्बे में सैयद तफजुल हुसैन के घर 16 नवंबर 1846 को पैदा हुए। जी, अकबर इलाहाबादी के वालिद के बड़े भाई बारा के तहसीलदार थे। उन्होंने भतीजे की तालीम को अपनी जिम्मेदारी बनाया और घर पर ही पढ़ाने लगे। उर्दू, फारसी और हिसाब की अच्छी समझ पैदा कर दी। अब हुआ यूं कि उस जमाने के चलन के मुताबिक अकबर की शादी 15 साल की उम्र में ही कर दी गई। अब जो जिम्मेदारी का बोझ सर पे पड़ा तो नौकरी की फिक्र हुई। नौकरी तलाश करने निकले तो एहसास हुआ कि अंग्रेजी का इल्म जरूरी है। खुद ही फरमाते हैं कि लुत्फ चाहो एक बुते नौखेज को राजी करो, लुत्फ चाहो एक बुते नौखेज को राजी करो और नौकरी चाहो किसी अंग्रेज को राजी करो। तो 1863 यानी कि जब अकबर 17 बरस के रहे होंगे तो इलाहाबाद में जमुना का पुल बन रहा था। उस पे ठेकेदार को एक मुंशी की जरूरत थी और अकबर को आमदनी की जरूरत थी, लिहाजा 15 रुपए महीने की तनख्वाह पर अकबर मुंशी का काम करने लगे। लेकिन पुल का क्या था, कुछ दिनों में पूरा हो गया। उसके बाद उन्होंने रेलवे में क्लर्क की नौकरी की और 1866 तक वो रेलवे में क्लर्क की नौकरी करते रहे और इसी दौरान अंग्रेजी भी पढ़ते रहे, जिसका उन्हें एहसास था कि अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है। फिर 1867 में उन्होंने वकालत का इम्तिहान दिया और पास कर लिया, कुछ दिन प्रैक्टिस भी किया, फिर हाई कोर्ट में उनको नौकरी मिल गई। 3 साल हाई कोर्ट में नौकरी किया और इसी दौरान वो लॉ की भी पढ़ाई करते रहे। अब 1873 में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने का एग्जाम पास कर लिया और जल्दी ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो गए। उसके बाद सब जज की हैसियत से हाथरस, अलीगढ़ वगैरह में पोस्टिंग रही इलाहाबाद के बाहर, और उसके बाद हाई कोर्ट के जज के लिए भी सिलेक्शन होने वाला था उनका, लेकिन सेहत की खराबी की वजह से उन्होंने जल्दी रिटायरमेंट ले लिया। तो 1905 में इलाहाबाद में सेशंस जज की पोस्ट से रिटायर हुए और 1907 में उनको अपनी जुडिशियल सर्विसेज के लिए हुकूमत ने खान बहादुर का टाइटल दिया। पर्सनल लाइफ में उनकी 2 शादियां हुई थी और उनके 4 बेटे थे, जिनमें से सबसे नाम कमाया सैयद इशरत हुसैन ने, जो डिप्टी कलेक्टर जी, हुए जी। 1905 के बाद इन्होंने शायरी में और अपना मकाम बनाया और 1921 तक जिंदा रहे। 9 सितंबर 1921 को इंतकाल फरमा गए। जी, उनके ऊपर एक इल्जाम रहा कि उनकी कथनी और करनी में कुछ फर्क रहता था, तो ये थोड़ा आप भी इस बारे में कुछ बताएं। और इसके साथ एक सवाल और है साथ में कि अकबर ने अपने वक्त की नामी हस्तियों पर कुछ शायरी कर डाली थी,
तो इसको जरा आप उनके कुछ ऐसे अशआर सुना कर दीजिए। जरूर जरूर जी। अकबर के एक दोस्त थे, उनसे थोड़ा जूनियर थे लेकिन काफी करीबी दोस्त थे, और उनके इंतकाल के बाद उन्होंने बायोग्राफी भी लिखी, जनाब कमरुद्दीन अहमद बदायूनी। तो उस बायोग्राफी के फॉरवर्ड में वो अकबर के बारे में लिखते हैं कि सूफियों में नुमाया सूफी और वाइजों में खुश गुफ्तार वाइज, रिंदों में खुला हुआ रिंद और जाहिदों में गोशा नशीन जाहिद, रईसों में ऊंचे दर्जे का रईस और मुफलिसों में नादार और शिकस्ता हाल, हुकूमत दोस्त लोगों में मुमताज हुकूमत दोस्त और सियासी जिंदगी में सख्त कांग्रेसी। कांग्रेसी से मुराद उनका है कि हुकूमत की मुखालफत करने वाला। तो बायोग्राफर साहब की इन अल्फाज से जाहिर होता है कि अकबर की तबीयत में बला की बेचैनी और तजाद मौजूद था, तजाद माने कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद था, जो कि उनकी जिंदगी और शायरी दोनों में साफ नजर आता है। उन्हीं का शेर है कि मैं भी होटल में पियो चंदा भी दो मस्जिद में, मैं भी होटल में पियो और चंदा भी दो मस्जिद में, शेख भी खुश रहे शैतान भी नाराज ना हो। तो शेख और शैतान के बीच बैलेंस बनाते रही है पूरी तमाम जिंदगी। अकबर को खुद भी एहसास था कि वो हुकूमत के खिलाफ किसी कार्रवाई को अंजाम देना तो दूर, उसमें किसी किस्म की मदद भी नहीं कर सकते थे। हालांकि मुखालफत के लिए इनके पास बहुत से वजूहात थी और ये दिल से मुखालिफ थे, लेकिन खुलेआम मुखालफत नहीं कर सकते थे। वजह यह थी कि पेंशन की जंजीर हाथ पांव लपेटे हुए थी। एक बार 1913 में हुकूमत की किसी कार्रवाई के खिलाफ कानपुर में फसाद हो गया तो अकबर ने एक शेर हुकूमत की मुखालफत में लिख दिया। बस फिर क्या था, इनको तलब किया गया और इनसे जवाब मांगा गया तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए और बड़ी बड़ी मुश्किलों से इनकी पेंशन बची। लेकिन फिर भी लिखते रहते थे मगर इशारों इशारों में, और कुछ न कर पाने का अफसोस भी उनके दिल में था। उनके शेर से जाहिर होता है कि न सही हुस्ने अमल खूबिये गुफ्तार सही, मतलब कहने के कुछ करने की कैफियत में नहीं है लेकिन बोल तो सकते हैं, बोल तो सकते हैं। न सही हुस्ने कमल खूबिये गुफ्तार सही, है तो अकबर में भी एक बात गुनहगार सही। तो अपने को गुनहगार भी मानते थे। हकीकत यह थी कि हुकूमत के जुल्म सितम के मुखालिफ थे, लेकिन यह भी समझ चुके थे कि आगे तरक्की के लिए अंग्रेजी तालीम जरूरी है। हाँ, अंग्रेजी कल्चर की बुराइयों से बचना भी उतना ही जरूरी जानते थे। कहते हैं कि चीज वो है जो बने यूरोप में, चीज वो है जो बने यूरोप में, और बात वो है जो पायनियर में छपे। पायनियर एक पेपर निकला करता था, जी, बहुत दिन तक आता था। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि तिफ्ल में बू आए क्या माँ बाप के अतवार की, माँ बाप के तौर तरीकों की बू कहाँ से आए, तिफ्ल में बू आए क्या माँ बाप के अतवार की, और दूध तो डिब्बे का है तालीम है सरकार की। तो इस बात का उनको ये रहता था कि भाई हमारी कल्चर जो है वो खत्म होता जा रहा है। ये तो अंग्रेजी की बात आपने की जी, तो अंग्रेजी की तालीम आप बता रहे हैं कि उन्होंने घर पे ही ली किसी फॉर्मल। अंग्रेजी के तालीम वो नौकरी के दौरान करते रहे, कुछ अरसे के लिए एक स्कूल में भी दाखिल हुए थे, अंग्रेजी स्कूल में दाखिल हुए थे, लेकिन वो कुछ ही अरसे के लिए क्योंकि कम उम्र में शादी हो गई तो उन्हें फिर जो है जिम्मेदारी का एहसास हुआ और पैसा कमाने की जरूरत महसूस हुई। जी जी। तो पर अपनी अंग्रेजी की जो भी उन्होंने नॉलेज एक्वायर की, हाँ, बड़ी खूबसूरती से शायद पहली बार हिंदुस्तान में किसी शायर ने इस्तेमाल किया हो कि अंग्रेजी के अल्फाज अपनी उर्दू शायरी में लाए और जबरदस्त चीज बन के निकली। आपने एक दो सुनाए, अब मैं एक सुनाता हूँ कि लिपट भी जा न रुक अकबर, गजब की ब्यूटी है, लिपट भी जा न रुक अकबर, गजब की ब्यूटी है, नहीं नहीं पे ना जा, ये हया की ड्यूटी है।
हाँ, तो इस तरह आपको के... और अच्छे लगे होंगे आपको ऐसे कुछ अगर आप हमारे। हाँ जरूर जरूर जी। हाँ, उसके पहले एक 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 जो इनकी ये थी कि हुकूमत के खिलाफ जी, कुछ जी, ना कुछ कहते ही रहते थे, लेकिन ढकी छुपे तरह से कहते थे, और ये भी मानते थे कि हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है ताकि इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जाए। जी, उसी उसी ख्याल को पेश किया है कि दिली ख्वाहिश है बेशक एक और एक दो कहिए, दिली ख्वाहिश है बेशक एक और एक दो कहिए, मगर मगर कहने को हूँ मौजूद साहब आप जो कहिए। बहुत अच्छे। एक बड़ा तो... नहीं मैं कभी कभी कहीं पे अगर कुछ टॉक देनी रहती है तो हमेशा ये कहता हूँ, आप भी इंजीनियर मैं भी इंजीनियर, एक और एक दो ही सिखाया जाता है, लेकिन जिंदगी एक और एक दो हमेशा नहीं होता जी, नहीं होता है जी। एक बड़ा खूबसूरत इन्होंने तशबीह, मतलब इन्होंने किस तरह से कंपेयर किया है कि बुलबुल जो है वो हिंदुस्तान में बड़ी इज्जत के साथ उस चिड़िया का नाम लिया जाता है बुलबुल का, लेकिन उल्लू को जो है यहाँ पे उल्लू ही समझा जाता है, इसके बरक्स उल्लू को इंग्लैंड में जो है वाइज बर्ड वाइज बड़ी उसकी इज्जत है। हाँ, तो इसी ख्याल को इन्होंने ये यहाँ पे पेश किया है, और ये बताते हुए कि किस तरह से अंग्रेज जो हैं वो हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बना रहे हैं, कहते हैं गुले तस्वीर किस खूबी से गुलशन में लगाया है, गुले तस्वीर किस खूबी से गुलशन में लगाया, मतलब गुल की तस्वीर लगा दी है जी, मेरे सयाद ने बुलबुल को भी उल्लू बनाया है। ये एक आपके ये थोड़ी अलग हटके उल्लू से याद आया मुझे। हाँ, सोचने वाली बात है कि ये वेस्टर्न कल्चर में वो वाइज है, वाइज बर्ड उसको हाँ है, जब उसकी स्कल्पचर या पिक्चर तो एक मतलब सगेसिटी के साथ उसको ट्रीट किया। हाँ, हाँ, हमारे यहाँ देखिए उल्लू संस्कृत वर्ड शायद है उल्लूक। अच्छा, और उल्लूक तना एक गाली है उल्लू के पट्टे। और मेरे ख्याल से उल्लू से मिलती जुलती ही बर्ड है चुगद। हाँ, छोटे छोटे साइज का उल्लू होता है जो। हाँ, वो भी वहाँ चुगद ही चुगद जो है वो चुगद मतलब उल्लू की तरह ही शायद इस्तेमाल होता था। हाँ, चुगद भी वैसे ही इस्तेमाल होता है जी। तो लेकिन अकबर इलाहाबादी के साथ मुश्किल ये थी कि हालांकि दिल से मुखालिफ थे अंग्रेजों के और हर तरह से, लेकिन खुद अपने बेटे को पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया, और उसने भी लौट कर सरकारी नौकरी कर ली और डिप्टी कलेक्टर हुआ, जिसपे कि अकबर को नाज था। तो इन्हीं वजूहात की बिना पर कथनी करनी के फर्क का इल्जाम लगाया जाता है। मैं सोचता हूँ कि शायद ये कॉन्ट्रडिक्शंस उस टकराव का नतीजा होते हैं जो कि एक हसास शख्स, एक सेंसिटिव आदमी के कॉन्शियंस और उसके पैरों को बांधने वाली मजबूरियों के बीच होता है। जी बिल्कुल, ये तो मजबूरी गालिब के साथ भी गुजरी, जब अंग्रेज आ गए तो उनको मतलब नहीं चाहते। तो अब आखिरी एक सवाल है आपके लिए, तो इन कॉन्ट्रडिक्शन को छोड़े, उनके उनकी शायरी के मतलब कुछ और दिलचस्प पहलुओं पे बात करेंगे। अब जैसे एक शेर है कि रहता है इबादत में हमें मौत का खटका, रहता है इबादत में हमें मौत का खटका, हम याद खुदा करते हैं कर ले ना खुदा याद। तो इस तरह कुछ और दिलचस्प बातें अगर आप बताएं चलते चलते तो गाए। हाँ हाँ, देखिए इन्होंने अकबर इलाहाबादी ने दो चीजें खास थी इनकी शायरी में, एक तो ये करंट अफेयर्स पे नजर रखते थे और उस पर कुछ ना कुछ कमेंट किया करते थे, लेकिन इनका कोशिश ये रहती थी किसी का नाम न लें। तो लिहाजा इन्होंने जैसे सर सैयद अहमद खान से इनकी बड़ी उनकी पॉलिसीज को ये सही नहीं मानते थे, तो उनके लिए भी लिखा करते थे, लेकिन अपनी शायरी में उनको नई तहजीब का चंदा मामा या पीर तरीकत वगैरह कहा करते थे। तो एक शेर जो उन्होंने सैयद के ऊपर लिखा हुआ था,
कि कहा पीरे तरीकत ने अकड़ कर अपनी टमटम पर। टमटम एक तरह की गाड़ी हुआ करती थी। जी जी जी। कहा पीरे तरीकत ने अकड़ कर हम अपनी टमटम पर, यही मंजिल है जिसमें शेख का टट्टू नहीं चलता। क्या बात है। गांधी जी की बड़ी इज्जत करते थे और उन्हें बाग का फूल कहते थे। बाग का फूल को उर्दू में लाला भी कहा जाता है। जी। तो और गांधी जी चूंकि बिजनेस कम्युनिटी से आए थे तो वैसे हिंदी में भी लाला थे। तो इसी बात को उन्होंने इस्तेमाल किया है और बड़ी इज्जत से उन्होंने कहा है कि यूं तो हैं जितने शगुफे, सबको है सबको फिक्रे बाग है। यूं तो हैं जितने शगुफे, सबको फिक्रे बाग है। ये मगर सच है कि लाला ही के दिल में दाग है। मतलब लाला ही के, मतलब गांधी जी के ही दिल में गम है, बाकी सबको ऐसे ही फिक्र है दिखाने के लिए। एक शेर में उन्होंने कहा कि बुद्धू मियां भी हजरत गांधी के साथ हैं, बुद्धू मियां भी हजरत गांधी के साथ हैं, गो खाक राह हैं मगर आंधी के साथ हैं। अब इस शेर की वजह से वो थोड़ा सा मुश्किल में भी पड़ गए, क्योंकि किसी ने गांधी जी को जाके ये कहा कि साहब देखिए आपको इस शेर में ये आंधी कह रहा है, और आंधी जो है वो मुसीबत ही लाती है। तो लेकिन गांधी जी ने उसका कोई ख्याल नहीं किया। लेकिन किसी ने जाके खिलाफत मूवमेंट के जो सरबराह थे मौलाना मोहम्मद अली, उनको ये कहा कि साहब ये इस शेर में बुद्धू मियाँ जो है वो आप ही हैं। तो खैर वो तो नाराज हो गए, लेकिन फिर अकबर ने उनको माजरती खत वगैरह लिखा, समझाया कि साहब बुद्धू मियाँ एक आम आदमी को मैंने लिखा है कि इतने पॉपुलर हैं गांधी जी कि हर एक उनके साथ है। तो इन्हें ये भी लोगों में इस बात का इम्प्रेशन ना हो कि ये सरकार के पिट्ठू हैं, तो इसलिए इन्होंने डार्विन का भी इस्तेमाल किया। एक शेर में कहते हैं कि शागिर्दे डार्विन तो खुदा ही ने कर दिया, शागिर्दे डार्विन तो खुदा ही ने कर दिया, अकबर मगर नहीं है मदारी के हाथ में। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। उस समय एक्सेप्ट करना, हाँ इतने साल पहले कि बहुत कि आप कहाँ से आए हो। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। जी अब जो अंग्रेजी अल्फाज के इस्तेमाल की बात आई, तो बहुत बेतकल्लुफी से इन्होंने अंग्रेजी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और इनके कलाम में अंग्रेजी अल्फाज भरे पड़े हैं। उसके कुछ मिसाल देता हूं मैं। हुवाइयों के 1858 के आसपास इंडियन सिविल सर्विस शुरू हो गई, और जैसा कि आज भी ट्रेंड है कि भाई सिविल सर्विसेज में एंट्री के लिए बड़ी बड़ी मेहनत मशक्कत करते हैं, नौजवान तबका जो है वो उसमें काफी मेहनत से लगा रहता है, और उस मेहनत को देखा होगा अकबर इलाहाबादी ने, तो उस पे उन्होंने ये एक शेर लिखा है, और ये आज के नौजवान तबके पे भी पूरी तरह से सही उतरता है कि इश्क़े लैलाए सिविल सर्विस ने इस मजनून को, इश्क़े लैलाए सिविल सर्विस ने इस मजनून को इतना दौड़ाया लंगोटी कर दिया पतलून को। क्या बात है। ये ऐसा ऐसा मतलब ह्यूमर और सरकास इतने साल पहले, हाँ, आज नहीं लिख पाते हैं लोग ऐसा। हाँ बिल्कुल। देखिए अब ये पॉलिटिकल किस्म के जो लोग होते हैं और जो उसी में अपनी भलाई समझते हैं कि भाई कोई बड़ा आदमी उनके साथ हाथ मिला ले, तो वो उस वक्त भी था और आज भी है, और उसी पे शेर है कि पब्लिक में जरा हाथ मिला लीजिए हमसे, पब्लिक में जरा हाथ मिला लीजिए हमसे, साहब मेरे ईमान की कीमत है तो ये है। वाह क्या बात। तो इनके बहुत से अशआर हैं, उसके लिए इतना वक्त नहीं है, जिसमें अंग्रेजी उन्होंने बड़े खुल के इस्तेमाल की है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इनकी खासियत ये थी कि इन्होंने मुख्तलिफ उन्वानात पे लिखा है, अलग अलग टॉपिक्स पे बहुत कुछ इनका लिखा हुआ है, और वो लेकिन तंज व मजाक के लिए ज्यादा मशहूर हुए।
दरअसल तंज व मजाक को अकबर ने एक पर्दे की तरह इस्तेमाल किया, जिसकी आड़ में वो सारी बातें कह सकते थे जो हुकूमत की पाबंदियों की वजह से खुलेआम नहीं कर सकते थे। जी 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 आपको जी 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 बोले। मैं कहना यह था कि देखिए अफसोस की बात है कि वो पर्दा गालिबन आज तक पड़ा हुआ है। अगर उस पर्दे को उठा दिया जाए तो अकबर की शायरी से उर्दू अदब को एक नई जिंदगी मिल सकती है। उनके कुछ उनवानात पे बड़े खूबसूरत अशार हैं, तो मैं पढ़ना चाहूंगा। जी। तसव्वुफ पे कहते हैं कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। एक जगह कहते हैं कि बस जान गया मैं, तेरी पहचान यही है। बस जान गया मैं, तेरी पहचान यही है, तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। ये इन्होंने मतलब गॉड के लिए कहा है। बस जान गया मैं, तेरी पहचान यही है, तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। कुछ नए डेवलपमेंट्स पर भी इनके बड़ी अच्छे अशार हैं। देखिए इन्होंने जैसे कहते हैं कि फोटो खींचा गया, फोटो खींच रहे हैं, तो उस खींच पे इन्होंने जो है प्ले कर दिया। उन्होंने कहा कि नातवानी मेरी देखी तो मुसव्विर ने कहा, नातवानी मतलब मेरी कमजोरी, कमजोरी जी, नातवानी मेरी देखी तो मुसव्विर ने कहा, डर है तुम भी खिंच आओ ना तस्वीर के साथ। ये आप जी आपको याद नहीं होगा, हाँ 20-25 साल पहले इनका एक कथा आपने मुझे दिया था, तो वो अब से 100-200 बार सुना चुका हूं मैं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि लोग हंसे ना हो। अच्छा। बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीवियां, बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीवियां, अकबर जमीन गैरते कौमी से गड़ गया। गैरते कौमी यानी नेशनल शेम। बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीवियां, अकबर जमीन में गैरते कौमी से गड़ गया। पूछा जो मैंने आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। बहुत अच्छा। तो ये तो एंडलेस है कबीर साहब, इनके इस तरह के हो सकता है हम लोग फिर एक बार मिलें। और बिल्कुल बिल्कुल, एक जो हकीकी और मजाजी, हकीकी इज रियलिस्ट, मजाजी मेटाफोरिकल, यहाँ पे हकीकी और मजाजी शायरी में फर्क ये पाया कि वो जामे से बाहर है, ये पजामे से बाहर है। और आखिरी एक मिसरा, अकबर डरे नहीं किसी सुल्तान की फौज से, या दबे नहीं है शायद, अकबर दबे नहीं किसी सुल्तान की फौज से। और ये नौज यानी एक्सक्लेमेशन बाय नो मींस वो लेडीज के लिए जो होता है, अकबर दबे नहीं किसी सुल्तान की फौज से, लेकिन शहीद हो गए बीवी की नौज से। बहुत अच्छा। तो इसमें बहुत अच्छा लगा। एक आखिरी आपको सुनाना मेरा पसंदीदा शेर है। जी बिल्कुल। और ये बजाहिर तो नॉनसेंसिकल है कि बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन अगर जरा सा गौर से देखें, ये शेर काकातुआ पे है जो कॉकेटू होता है। जी जी। तो उसके ऊपर है, जरा गौर करें तो लगता है कि ये काकातुआ जो है वो अंग्रेजी है। और ये शेर इस तरह से है, आप तसव्वुर करें कि बावर्ची खाने में दो औरतें काम कर रही हैं, उसमें से एक औरत दूसरी औरत से कह रही है। जी। शेर में है कि रहीमन पुकारी कि नेधा बुआ, रहीमन और नेधा बुआ दो औरतें हैं, रहीमन पुकारी कि नेधा बुआ, अजब जानवर है ये काकातुआ, जरा देखना अक्ल है मेरी गुम और किधर इसकी दुम। बहुत अच्छे। आज आप पब्लिक कैफे में आए कबीर साहब और अकबर इलाहाबादी पे बातें की, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि फिर आप तशरीफ लाएंगे हमारे किसी शो में, और
व्यूअर्स, आपको उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा। अगले ट्यूसडे 7 बजे फिर आप मुखातिब होंगे उर्दू है मेरा नाम सीरीज में, किसी और शायर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बेपर्दा तल जो आए नजर चंद बीबियां, बेपर्दा तल जो आए नजर चंद बीबियां, अकबर जमी मगर ते कौमी से गर गया। बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि आकल पे मर्दों की पड़ गया। बेपर्दा